स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर। ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है, ये वो है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी FIR दर्ज कराने के लिए इनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। क्यों? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है इन टीवी चैनलों के माध्यम से। जो भी भारत देश से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा है। जो भी चाहता है हमारा देश ओलंपिक में आगे बढ़े, हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आगे बढ़े, जो भी व्यक्ति चाहता है वो आपके साथ खड़ा है। आपने इस पूरे देश को जगा दिया है, एक एक आदमी के दिल में बसी हुई है आपका ये संकट। अभी दो दिन पहले एक बुजुर्ग आए मेरे पास, बोले सर मोदी जी ने ठीक नहीं किया। बोले मैं भी पहले मोदी जी का बहुत भक्त होता, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ ये बिचारी लड़कियां जंतर मंतर के ऊपर दुराचारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है जंतर मंतर पे, तो मेरे मन में ये प्रश्न तो उठ रहा है, मोदी जी उसको क्यों बचा रहे हैं? उसको सारा तंत्र, सारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सारे उसको बचाने में लगे हुए, ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा संदेश जा रहा है देश के अंदर कि अगर इनकी पार्टी का कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं की जाएगी। आपको याद होगा किसानों के टाइम में क्या हुआ था, किसान पे गाड़ी चढ़ा दी थी, पूरा तंत्र उसको बचाने में लग गया था। आज एक आदमी बच्चियों के साथ गलत काम करता, पूरा तंत्र लग गया बचाने के लिए। आज मेरा दिल कहता है इन बच्चों का ये आंदोलन इस देश की खेल व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करेगा। आज इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूँ, छुट्टी लेके आओ, सारे जने छुट्टी लेके आओ, इनका साथ दो। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। सोचो जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए 7 दिन लग गए और सुप्रीम कोर्ट लग गया, अगर ये बच्चे संघर्ष ना करते तो लड़कियों के साथ तो गलत काम होता रहता। और मेरा दिल कहता है इनका संघर्ष जरूर सिरे चढ़ेगा, जरूर इनको सफलता मिलेगी। मेरी एक और गुजारिश है अपनी केंद्र सरकार से, इतने निर्दयी मत बनो। इनके बच्चों का पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते सब कुछ करूंगा, लेकिन इनका बच्चों का ये तो आने दो यार, ये तो ह्यूमन राइट्स है, हमारे बच्चे हैं, इन्होंने हमारे देश का ही नाम रोशन किया था। इस दिन के लिए थोड़ी किया था कि एक दिन इनका पानी रोक दिया जाएगा, एक दिन इनका खाना रोक दिया जाएगा, लाइफ काट दी जाएगी, हमें तो इनको कंधे पे उठाना चाहिए था। मुरादाबाद में 2 घंटे देरी से पहुंचे योगी, कहा मुरादाबाद एयरपोर्ट हब बना। पीतल कारोबार बंदी के कारागार पर था, पीतल कारोबार बंदी के कगार पर था, अब पुराना वैभव फिर लौटा। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद दौरे पर, खराब मौसम की वजह से सोमवार को 2 घंटे देरी से पहुंचे। निकाय चुनाव के जनसंपर्क अभियान के तहत रामलीला ग्राउंड में उन्होंने संबोधन शुरू किया और कहा कि मुरादाबाद आज देश के एयरपोर्ट का एक हब बन चुका है, आज पीतल नगरी स्मार्ट सिटी बन गई है। आज मुरादाबाद पहले से काफी बदल चुका है, एक साथ कई उपलब्धियां मुरादाबाद के साथ जुड़ी है, एक साथ कई उपलब्धियां मुरादाबाद के सर, एक साथ कई उपलब्धियां मुरादाबाद के साथ जुड़ चुकी हैं। पहले पीतल नगरी थी, यहाँ पीतल का बड़ा कारोबार होता रहा, लेकिन वो बंदी की कगार पर था। आज पीतल नगरी फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर चुकी है। मुरादाबाद में विनोद अग्रवाल भाजपा प्रत्याशी है, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे हैं। हालांकि बारिश की वजह से उनका राजकीय विमान बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर लैंड कराना पड़ा, वो वहां से हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे प्रोग्राम लेट शुरू हो सका है। मंच पर लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए हैं। पूरे जनसभा स्थल के साथ ही आसपास के इलाके में भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जनसभा स्थल के चारों ओर छतों पर भी कमांडो तैनात रहेंगे। देशभर से 50 मॉडल्स ने रैंप पर की वॉक, ब्राइडल कॉकटेल और वेस्टर्न पार्टी वियर ड्रेसेस में दिखा ग्लैमरस अंदाज। MMT मॉडल्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से श्यामनगर स्थित होटल द फन हैबिटेट में नेशनल लेवल ब्यूटी प्रेजेंट मिस्टर मिस एंड मिसेज टॉप मॉडल इंडिया सीजन 3 का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के विभिन्न शहरों से चयनित 50 फाइनलिस्ट ने रैंप पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेर कर ताज के लिए अपनी दावेदारी पेश की। 4 राउंड में हुए फैशन वॉक में मॉडल्स ने इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइडल कॉकटेल और इवनिंग गाउन आदि ड्रेसेस शोकेस की। मिस्टर मिस एंड मिसेज टॉप मॉडल इंडिया सीजन 3 की मिस्टर कैटेगरी में वरदान शर्मा, मिस कैटेगरी में जयपुर की तान्या सिंह और मिसेज कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश की मिलुआ कुरी कागो ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ताज अपने नाम किया। MMT मॉडल्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर
अशफाक शाह सेलिब्रिटी गेस्ट, टीवी एक्टर आस्था चौधरी, अचीवर्स इवेंट्स के डायरेक्टर रूपेश जौहरी, एसोसिएट पार्टनर नवीन श्रीवास्तव ने विनर्स को शैश एवं क्राउन पहनाकर ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, प्राइज और गिफ्ट हैम्पर भेंट कर सम्मानित किया। अशफाक शाह ने बताया कि जूरी पैनल में शामिल क्वींस इंटरनेशनल की सीईओ नासिया अहमद, डेमीलून इवेंट्स दुबई की सीईओ मून मुखर्जी, बॉलीवुड डायरेक्टर इकराम अख्तर और सोनम श्रीवास्तव ने पार्टिसिपेंट्स की रैंप वॉक, सेल्फ प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस आदि की परख की और विजेताओं के नाम घोषित किए। ब्यूटी पेजेंट के क्वेश्चन आंसर राउंड में प्रतिभागियों ने अपने बौद्धिक कौशल का परिचय दिया। वहीं टैलेंट राउंड में डांस, सिंगिंग, मिमिक्री, मोनो एक्ट आदि प्रस्तुत किए। कर्नाटक में भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा, बीपीएल परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र प्रजा ध्वनि जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है, साथ ही बीपीएल परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर युगदी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर मुफ्त देने का वादा किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म हो, जाति का हो। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस भी राज्य में यूसीसी लागू होगा वहां शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकारी, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। कार्यक्रम में सीएम बसवराज बोम्मई और बीएस येदुरप्पा भी मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी ने किसानों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में माइक्रो कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और कृषि उपज समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 30,000 रूपए करोड़ के फंड का वादा किया है। पार्टी के अवैध प्रवासियों को नागरिकता और एनआरसी लागू करने का वादा किया है। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। सीएम अशोक गहलोत का एक पोस्टर हुआ चोरी, 24 घंटे में 6 पुलिस वालों ने चोरी करने वाले को पकड़ा, पैसे नहीं मिलने से नाराज था। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत का एक पोस्टर चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज की गई है। इस मामले में तुरंत एक्टिव हुई पुलिस ने रात भर दबिश देना शुरू किया। 6 पुलिस वालों ने 24 घंटे में होर्डिंग चोरी करने वालों को पकड़ भी लिया। दरअसल 3 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है। इस मौके पर विश्वकर्मा स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय संस्थान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी का होर्डिंग वीकेआई के पास सीकर रोड पर लगाया गया था। 29 अप्रैल को होर्डिंग गायब मिला तो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय संस्थान के जिलाध्यक्ष सीताराम सैनी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मुख्यमंत्री के होर्डिंग चोरी होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। जहां से होर्डिंग चोरी हुआ वहां एक होटल से सीसीटीवी फुटेज मिले, इसमें एक व्यक्ति होर्डिंग चोरी करता दिखाई दिया। इस पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि वह होर्डिंग लगाने वाले कंपनी का कर्मचारी है जो पैसा नहीं मिलने पर होर्डिंग हटा कर ले गया था। विश्वकर्मा थाना सीआई रमेश सैनी ने बताया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शुभकामनाएं देने के लिए 41x8 फीट का होर्डिंग सीकर रोड पर लगाया गया था। 29 तारीख को जब सीताराम सैनी ने होर्डिंग हटा हुआ देखा, पुलिस जांच से सामने आया कि पोस्टर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुरा लिया गया है। इस पर सीताराम सैनी की ओर से विश्वकर्मा थाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के होर्डिंग चोरी होने की शिकायत दी गई। पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। राजीव भवन में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेम साय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया, सत्यनारायण शर्मा समेत कई नेता मौजूद है। रविवार को बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद आज कांग्रेस में शामिल हो गए। भूपेश बघेल ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और ऐसे समय में जिन्होंने गरीबों और आदिवासियों के लिए संघर्ष किया, ऐसे नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसलिए उन्हें बधाई देता हूं, वे सच्चे आदिवासी नेता हैं। भूपेश बघेल ने कहा, नंद कुमार साय का जीवन सादगी भरा है, वे अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते। पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा के लिए संघर्ष किया, गरीबों के लिए लड़ते रहे। हमारी सरकार बनने के बाद आदिवासियों के हित में लिए गए निर्णय पर नंद कुमार साय सार्वजनिक रूप से हमारे कामों की प्रशंसा करते रहे हैं। आज मुरादाबाद बदल चुका है। एक साथ कई उपाधियां मुरादाबाद के साथ पहले कीर्तन नगरी थी, लेकिन वो पंडित की कटान पर अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करते हुए आज कीर्तन नगरी फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर सकता है। कीर्तन नगरी
छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा बोरे बासी तिहार। भूपेश बघेल श्रम दिवस पर श्रमिकों के साथ खाएंगे। पीसीसी चीफ मरकान ने खाया बोरे बासी। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर तमाम मंत्री नेता जनप्रतिनिधि आईएएस और पीसीएस अफसर बोरे बासी खाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई यानी मजदूर दिवस पर प्रदेशवासियों से बोरे बासी खाने की अपील की है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अपने परिवार के साथ बोरे बासी खाया है। भूपेश बघेल ने आम नागरिकों को उत्साह के साथ बोरे बासी त्योहार में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में 1 मई को मेहनत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमारे प्रदेश में यह दिवस इसलिए भी और खास है क्योंकि हमारा प्रदेश किसानों, आदिवासियों और मजदूरों का प्रदेश है। हमारे खेत, जंगल, खदान और कारखानों को हमने पसीने से सींच कर खड़ा किया है। ये हमारी ताकत है। इन सभी जगहों पर अपना पसीना बहाने वाले लोगों ने ही प्रदेश को अपने कंधों पर संभाल रखा है। इनके श्रम का सम्मान करने और श्रम का उत्सव मनाने के लिए हमने 1 मई को बोरे बासी त्योहार के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अर्थ प्रकाश के हिमाचल बुलेटिन को देखते रहने के लिए तथा देश दुनिया की जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।